तो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के बेस्ट सूट्स कौन से हैं? तो नंबर 8 पर आता है होममेड सूट, जो कि उसने खुद ने बनाया था टोनी स्टार्क के मिलने से पहले, और टोबी और एंड्रयू के होममेड सूट्स की कंपैरिजन में ये वाला होममेड सूट काफी ज्यादा अच्छा है। फिर नंबर 7 पे आता है होमकमिंग वाला रेड एंड ब्लू सूट, जो कि टोनी स्टार्क ने उसको बना के दिया था, जो कि काफी ज्यादा एडवांस और टेक्नोलॉजी से भरपूर था। नंबर 6 पर आता है फार फ्रॉम होम से रेड एंड ब्लैक सूट, जो कि खुद टॉम ने डिजाइन किया था, जिसमें उसने कुछ एडवांसमेंट्स भी किए थे कंपेयर टू उसका पिछला सूट। नंबर 5 पे आता है ब्लैक एंड गोल्डन सूट। अब वैसे तो ये सूट रेड एंड ब्लू सूट का फ्लिप्ड वर्जन है, लेकिन ये देखने में काफी अच्छा लगता है, जिसमें हमें वायर्स भी देखने को मिल जाती है, इसलिए ये सूट नंबर 5 पे रखा है। अब नंबर 4 पे आता है स्टेल्थ सूट, या फिर हम कहें नाइट मंकी सूट, जो कि उसको निक फ्यूरी ने बना के दिया था। ये देखने में काफी कूल लगता है, क्योंकि ये फुल ब्लैक है और ऐसा सूट हमने पहले कभी देखा भी नहीं था। और अब बात कर लेते हैं टॉप 3 सूट्स की। तो नंबर 3 पे आता है इंटीग्रेटेड सूट, जो कि पीटर ने फाइनल फाइट में भी यूज किया था टोबी और एंड्रयू के साथ, और ये सूट बनता है रेड एंड ब्लैक सूट पे, जब डॉक्टर ऑक्टोपस उसको गोल्डन नैनोटेक इंटीग्रेट करके देते हैं। नंबर 2 पे आता है आयरन स्पाइडरमैन सूट, जो कि सबसे ज्यादा कूल भी है और सबसे ज्यादा एडवांस भी है, और ये एक ट्रिब्यूट भी लगता है आयरन मैन को उसी कलर स्कीम के कारण। और नंबर 1 टॉप पे आता है क्लासिक सूट, जो कि हमें नो वे होम की एंडिंग में देखने को मिला था। ये पीटर ने खुद ने बनाया है और ये कॉमिक एक्यूरेट भी है, और हम इसको देखने वाले हैं स्पाइडरमैन 4 में।